वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो हमारी सुबह हो गई काफ़ी जल्दी, बट आज सम नानी को स्कूल छोड़ने गए कैफ, तो स्कूल गया नहीं, तो कैफ रिटर्न आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग फटाफट रेडी हुए और हमको निकलना था 1 बजे तक, और एज ऑलवेज आज फिर हम लेट हो चुके हैं। यस, तो लेट हो चुके हैं हम बहुत ज़्यादा। मैं फटाफट रेडी हो गई और मैंने आज देखो खुद से ना पहली बार स्ट्रेटनर से मैंने ट्राई किया है कर्ल्स, मैंने कभी नहीं किया आज तक, कभी नहीं किए। मैंने सिर्फ ऐसी घुमाई तो वो आड़ा टेढ़ा जैसा बन गया वो बन गया, मेरे को जैसा है मैंने बना दी। और बुरान के फ़ोन पे फ़ोन चालू है और अभी के व्लॉग अपलोडिंग पे लगे, तो मैंने बहुत सिंपल रखा है क्योंकि बुरान बोलता है सिंपल आना, तो उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेकअप टेंट लगाया वो भी बोल चलो हम लोग निकल रहे हैं, तो आप लोग से मिलती हूँ मैं सीधा वहाँ पहुँच कर। हमें किसी वरना नहीं अभी सीधा निकलना, क्यों पेट्रोल का रात को ही भर जाओ। अच्छा, हमें कैसे लग रही आप लोग तेरे बताना, कैसे दिख रही जान। और फाइनली आज मैंने ये वाला कुर्ता पहना है जो मेरी पसंद का, दाढ़ी आड़ी भी थोड़ा करवा लिया है, ये मेरी पसंद का कुर्ता है। तो अभी ऐसा है कि वहाँ पे पता नहीं अगर कोई पसंद कर लिया तो अलग बात है। तुमको तो नहीं, मेरे को तो जरूर कोई पसंद, कोई नहीं करेगा तेरे को देख के पसंद। तो चलो मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। कैफ की बस जा रही है, कैफ ट्रैवल, तो हम लोग मुम्ब्रा एंटर कर चुके हैं। मुम्ब्रा टू टू टू। और मैं पूरे रास्ते खुद को कैसे बचा के आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो मैंने ये दुपट्टा लेके आई थी घर से, और मैं कैसे, ये तो अभी इतना भी तो नहीं खुला है, मौसम बहुत अच्छा हो गया। हाँ, इतना तो वो खुला है, इससे पहले तो वो भी नहीं खुला था। आगे फाइनली। और देखो बुरान वहाँ पर, देखो उसको दिखाते हैं। बुरान ने लाइट ब्लू पहने, एकदम ही लाइट ब्लू, और कैफ ने भी पहने, और मैंने तो डार्क ब्लू पहने, खोजिम ने भी ब्लू पहना है। मतलब खोजिम कौन है पता है, खोजिम बुरान का क्या लगा, कजिन भाई। हाँ, इधर देखना बुरान जरा, टोपियों भी पहन के रिश्ता। पहाड़ देखो कितना मस्त लग रहा है। बुरान चल अपन पहाड़ के ऊपर जाएंगे जाने का समर करो। बुरान भी कुछ ऐसा पहनता है, बुरान ऐसी पहनता है। रुकना लेना एक है बुरान और एक है कैफ। बुरान देखा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और हम लोग एक प्लेट में कितने लोग बैठे थे पता है, 1, 2, 3, 8 लोग बैठे थे हम लोग एक थाली में पता है। और कैफ आउट हो चुके हैं, तो मैं वो देख रहा हूँ खुशी थाली कितनी प्यार तरीके से बना रहे हैं। और वो जो चिकन था डोरिटोस वाला, वो तो बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। गोश्त तो
गोश्त कैसे खाए मैंने सिर्फ चिकन खाया, चिकन में मैं आउट हो गए, बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और अभी हम लोग बैठे यहाँ पर, खाना वाना सब हो गया, निपटा दो 5 मिनट तो अभी मिलती हूँ। हाँ ये देखो मुराद भाई का जगह तो अभी मिलती हूँ मैं आप लोग से थोड़ी देर। इतनी धूप, बाप रे बाप, क्या गर्म हो रहा है, अल्लाह रहम करे, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। और अभी हम लोग आगे बढ़े कैंप और मैं थोड़ा ऐसा राउंड मारने के लिए, बुरान गया है कुछ काम से तो वो आएगा, जब तक हम लोग बोले कि चलो जब तक आगे एक राउंड मार लेते हैं। और आप लोग को भी मुमरा थोड़ा दिखा देते हैं, मुमरा तो मैं पहली बार आई हूँ, मुमरा में क्या क्या है उतना तो नहीं पता। हाँ वो इतने अच्छे से नहीं पता, बुरान आएगा उसके बाद जब हम लोग निकलेंगे घूमने तब बताएंगे। अब घूमने तो मेरे को मालूम है, कहीं लेके नहीं जाने वाला है बुरान, लेके आएगा कोसिम को बोलता हूँ ना, बुरान एक बार नहीं लेके आएगा, कोसिम लेके जाएगा जो बुरान का ट्विंस है। ट्विंस नहीं है, मतलब वो वैसे ही दिखता है, बुरान की भाभी का सगा भाई का, बट दोनों की हरकतें सब सेम है। तो अभी हम झाड़ लेने, नहीं बाबा यहाँ से झाड़ लेके आने बोल रहा है तो क्या हो गया। तो अभी थोड़ा निकले, देखते क्या है क्या नहीं है, पता नहीं ऐसा लगा कोई आवाज दिया। चलो हम लोग चल रहे थे, जा रहे थे और जाते जाते बाइक अचानक से बंद हो गई, पता नहीं क्या हो गया, पेट्रोल है बाइक में, सब कुछ है और बाइक बंद हो गई और हमको रिटर्न चलते चलते जाना पड़ रहा, बताओ मुमरा आई और ऐसा हो गया मेरे साथ। कैफ कैफ कुछ ना कुछ खर्चा होता ही है ना अपना। ये देखो ये चालू भी कर रहे हैं ना तो मीटर में भी कुछ नहीं आ रहा है। चलो अभी हम लोग बुरान को तो फ़ोन करें, ऐसी की बात ऐसे बताया, तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं मैकेनिक के पास। कौन सा गाना सूट होता है? वो शाहरुख खान का। कौन सा? हाँ वो, हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीन बोलता है, यहाँ पर खदान मेला है लड़कियों आएंगी बोरी चाहेंगी। तो अभी बाइक चालू हो चुकी है, बस हॉर्न नहीं चालू हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हॉर्न अभी नहीं, हॉर्न का बाद में काम करा देंगे। अभी तो से फ्यूज से फ्यूज उड़ गया था, अच्छा क्या हाईवे वाईवे पे नहीं हुआ। बुरान हमको घुमाने लेके जा रहा है, मुझे शॉपिंग भी कराएगा बुरान बोला है ना, हाँ सिपा करेगा। अल्लाह के करम से सिर्फ 50 रुपये खर्चा हुआ, ज़्यादा नहीं हो, पर बाइक का भी बहुत खर्चा है, बाइक को पूरा बनाना है फिर से मतलब इधर से, जब भी ये एक बार हो जाता है ना, मैंने कभी कंपनी के अलावा कभी बाइक खोली नहीं थी, बट मैंने सिर्फ एक बार बाइक बाहर खोल दी तो काम ही काम निकल रहा है। तो अभी कोई ना, तो अभी चलो 50 रुपये ही खर्चे हुए, अभी कल इंशाल्लाह कैब जाके बाइक का वो जो रेड लाइट एक जल रही है ना तो उसको भी ठीक करवाएंगे, जो मीटर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। देखो राइडर बन गए, राइडर ऑटो वाले लोग राइडर है यहाँ पे। तो चलो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, पुरान लोग जो एक्टिवा है वो चेंज करेंगे, दूसरे बाइक पर आएंगे उन लोग, फिर हम लोग आगे जाएंगे। अब मिजान निकल गया है मुझे बुरान, हम लोग को पता नहीं पहाड़ पे कहाँ लेके जा रहा है, किधर सीधा चलते रहो, सीधा और फिर लेफ्ट चल रहे लोना लगी। और ये देखो खड़ी के ऊपर से ले रहा है जबरदस्ती खड़ी, क्या मौसम लग रहा है, अल्लाह यहाँ के ठंडा सुकून लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। और जाने ऊपर टाकी पे जाके उड़ी मारो ना मेरे लिए, बोले मैं शिरीन से बहुत प्यार करता हूँ, टाकी के अंदर ही उड़ी मार दूंगा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। केले के झाड़ देखो कितने मस्त मस्त लग रहे हैं यार, क्या ही पूरा आता पूरा मुमरा दिख रहा है यार। और ये हम लोग कहाँ पर लेके घूम रहे हैं, यहाँ पर क्या हवेली ढाबे, यहाँ पर वो रिजोर्ट भी आगे जो अपन वीडियो देखा, वही वाला आगे। कौन सा रिजोर्ट? अरे नहीं अपन बीच में बर्थडे के प्लानिंग के लिए कर रहे थे वहाँ जाने के लिए, केले के झाड़ देख के बहुत मस्त लग रहा है यार, कितने प्यारे हर एक जगह आए हुए यार। अरे देखो
गाइस ये देखो अभी रात का व्यू, मेरे को ये दिखाना था। हम लोग कब से यहीं रुके थे, तभी हम लोग निकल रहे हैं मुम्बरा से और ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर तो नहीं किया। और बुरान देखो वहाँ पर है। यस तो अभी हम लोग निकल रहे, चलो घर पहुँच के बांद्रा पहुँच के मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे और हम लोग को दिखा वाटरफॉल, ये देखो छोटू सा है, मस्त लग रहा है यार। और बहुत डेंजर रोड है यार ये, पहली बार मैं भी आया भाई। यस कैफ भी पहली बार आया है और बहुत ज्यादा डेंजर है। मैंने तो बाल बाल सब बांध दिया है बिकॉज आज फुल मून है। बट फिर भी बोलते ना थोड़ा डर तो हर किसी को रहता ही है यार। बट अभी अल्लाह का नाम लेते हुए चल रहे और कुछ नहीं। वो कैसे रहते रहेंगे यार, और डर नहीं लगता उन लोगों को, सांप आ जाए कुछ आते तो। फिर से एक और गाड़ी जिसे कैफ के नाम की, कैफ की अभी कार भी हो गई है। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं साइन, साइन में हम लोग है होटल रामदेव में। और यहाँ का मुझे रवा डोसा बहुत पसंद है और अभी ऑर्डर किया हम लोग ने रवा डोसा और पूरी भाजी कैफ के लिए और चीज़ पकौड़ा। अभी ऑर्डर आ जाए प्लान था पहले कहाँ जाने का, वो तो बताओ। तो हमारा पहले प्लान था गुरु कृपा जाने का, बट इसकी हिम्मत नहीं हुई तो हम लोग यहीं पे आ गए। ठीक है, जो अभी खाने बैठे हम लोग खाते फिर उसके बाद आपसे। मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मट्टी तो इतनी उड़ी है, बहुत ज़्यादा मट्टी उड़ी, इतनी मट्टी मेरा पूरा चेहरा मट्टी मट्टी हो गया था। बाप रे, मेरे पल्स भी पल्स हो गए। चलो मिलती थोड़ी देर से। तो अभी आइए गर्मा गर्म चाय दोनों के लिए। पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी चाय की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैफ की आँखें कितनी लाल हो गई, मट्टी पूरी उड़ रही है। और कैफ कैसा दिख रहा है कुर्ते बताना, मेरा मैंने पसंद किया था, मैंने जिद करके लिया था इसके लिए। चलो अभी चाय पी के। और यहाँ आ चुकी है कैफ की पूरी भाजी, हलवा पूरी मन में बोल रही हूँ, पूरी भाजी आ गई। और अभी कैफ पूरी भाजी खाएंगे, गर्मा गर्म पूरी भाजी। और चाय पी के हमारा पेट भर गया, चाय बहुत सारी थी। यस तो अभी आ चुका है मेरा रवा डोसा, फटाफट खाते कैफ की एक पूरी तो मैंने ही खा ली। तो अभी आया है चीज़ पकौड़ा। सॉस है और हरी चटनी है। सो गाइस मैं खोलने गई तो ये देखो पूरा चीज़ का क्यूब है वो यार, और अमूल चीज है, बहुत टेस्टी है यार। तो हम लोग निकल गए होटल से और बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था चीज़ वाला, इतना टेस्टी था ना मैं क्या ही बताऊँ, मैं भूल ही नहीं पा रही इसका टेस्ट आके, बहुत अच्छा बनाया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉम के यहाँ पर, क्योंकि दीपक भाई के बेटे का बर्थडे है, तो उससे भी बच्चे से भी मिल लेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे सीधा मॉम के यहाँ पहुँच कर। तो रुके अभी ले रहे हैं केक और पेमेंट कर दिए, चलो केक लेके निकलते हैं। और लिया है ये वाला केक। तो ये रहा कैफ का घर, ये देखो वो खिड़की दिख रही है, वो खिड़की से ये 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 और ऊपर का टेरेस, ये है कैफ का घर। और यहाँ है कैफ की मॉम का घर, मॉम मतलब जो बचपन से कैफ जिनके पास ज़्यादा रहा है उनको मॉम बोलता है। सो उनके घर पर आए हम लोग, हमको लगा कुछ होगा नहीं, बट यहाँ पर देखो बलून वलून सब लगे ले, मुझे तो और हंसी आ रही है। अमर के साथ खेल रहा है, अमर बावी नहीं दे रहा है कैफ को। अमर अरे वो मेरे तरफ ऐसे ही देख, सो गाइस हम लोग मॉम के यहाँ से निकल गए क्योंकि बिल्कुल भी दोनों में ताकत नहीं बची, बस ऐसा लग रहा है घर पे जाए और सो जाए, पता नहीं एकदम ही लो गए, एकदम ही लो। और वो चीज़ और वो पूरी भाजी
डोसा सब भारी पड़ चुका है। मॉम के यहाँ कुछ खाया भी नहीं, मॉम इतना बोल रहे कि खाना खा के जाओ खाना खा के जाओ, पर पहली बार मॉम के यहाँ से कुछ खा के नहीं निकले हम लोग ने। सिर्फ मैंने सिर्फ इतना सा केक चखा और सिर्फ मैंने वो सैंडविच जो थी रेनबो वाली वो खाई, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन था खाने का वाली सैंडविच, क्योंकि उसको ऑर्डर करना पड़ता है ना गे? एक दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है, वो भी कंफर्म हुआ ठीक नहीं हुआ तो फिर बाद में ऐसा। तो फिर वो सैंडविच खाया मैंने, एक ग्लास पेप्सी पिया, थोड़े वेपर्स खाए बस। अब मैं हिम्मत नहीं अब कुछ और पेट के अंदर जाने की, तो निकल चुके हैं हम घर के लिए। तो आप लोग से मैं सीधा घर पहुँच कर मिलती हूँ। सो गाइस थके आ रहे हैं, आ चुके हैं हम घर और ज़्यादा कुछ किया नहीं, चाहते थे कि मुंब्रा थोड़ा एक्सप्लोर करें, बट हम लोग जो बाईपास पे भी गए थे तो अंकल ने मतलब लाइक कॉजिन भाई के डैडी ने बोला था कि ज़्यादा नहीं रुकना वहाँ पर, क्योंकि बारिश का टाइम है ना जान। बोले बारिश का टाइम है तो ज्यादा बाईपास पे गाड़ियां बहुत स्पीड में आती है। यस, तो उन्होंने बोला ज्यादा टाइम रुकना नहीं और क्या था वो और भी जगह है घूमने की, बड़ो बोले कि उन्होंने के नेक्स्ट टाइम तू आएगा तो मेरे को कॉल करके आना, मैं तेरे को बताऊंगा और अच्छे से घुमाएंगे, क्योंकि ना इस टाइम कैसा था ना क्या था हकीका था और ऊपर से हम लोग थोड़ा घूमने के लिए निकले तो बाइक का तो आपने देखा किसी से कैफर में थोड़ा आगे जा ही रहे थे, फिर हमने एक दरगाह भी देखी वहाँ पर, सोचे वहाँ पर भी जाए। हाँ बट है ना कैफ ने बोले जैसी दरगाह है वहाँ पर हम लोग, मैं सब पलटी वैसी कैफ बोले रही गाड़ी बंद हो गई, तो एकदम शॉक हो गया मेरी, क्यों कैसे बंद हो गई, तो कुछ भी नहीं आ रहा था वो एक स्पार्क हो चुका था बैटरी का। स्पार्क जो होता है ना बाइक में जो बैटरी को सप्लाई करता है वो स्पार्क उड़ गया था, तो दूसरा उसको वो डालना पड़ा, मेरे को नहीं समझ तो वो उड़ चुका था तो वो डालना पड़ा, तो फिर मैं हम लोग को आधा टाइम हाथ टूट गया, फिर उसके बाद में भागम दौड़ी में थे तो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाए, तो आई एम रियली सॉरी गाइस। सो जितना हो सका मैंने उतना आज कैप्चर किया, जितना हो सका मैंने उतना आप लोग को बताया चीज़ें जो भी है। मेरे साथ एक सीन भी हो गया। हाँ और कैफ के साथ क्या हुआ क्या मालूम है, हम लोग है ना इसे मतलब नीचे स्लोप में उतर तो गए बराबर ठीक है, अब वो चढ़ना था तो एक जगह ना ज्यादा ही एकदम ऊंचा था और थोड़ा चढ़ने की सपोर्ट ओपोर्ट कुछ भी नहीं था, अगर तुम झाड़ को भी पकड़ो ना तो पूरी घास ही उखड़ के हाथ में आ जावे वैसा था। तो कैफ ने क्या करे मैंने बोले जान जान तो रुक जा मैं पहले जाता हूँ और तेको खींचता हूँ, मैं बोली ठीक है। अब मैं खड़ी हूँ पीछे टॉर्च चालू करने में लगी हूँ, नहीं मैंने टॉर्च चालू कर दी थी तो मैं थोड़ी टॉर्च के ना लेवल बढ़ा रही थी और ब्राइट होने के लिए, देखी तो धड़म करके मैंने ये मैं ऊपर देख रहा देखी तो नीचे पहुंच गया और एक गिरा और घुट्टे के ऊपर और इसको लग भी गई, मैं आपको बताती हूँ ये देखो कैसा उसको हो गया, अल्लाह यहाँ पे भी सूज गया और सूज गया उसको सही लड़का गिरा और मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी बुरान और मैं जो हंस रहे थे, मैंने सोचा कि ना मेरे पीछे ना कॉजिन खड़ा था, फिर कॉजिन के पीछे बुरान था और मैं थी कैफ के बाद, मैं भी अगर कैफ का थोड़ा ढक्का मुझे लगता है मैं सीधा कौजिन पर गिरती, कौजिन लुढ़कते हुए बुरान में गिरता, बुरान लुढ़कते हुए पहाड़ के नीचे सीधा चला जाता, और ला इतनी हंसी आई मैं तो हंस हंस के मेरा पेट ही दुखे पूरे रास्ते में से बहुत सोच सोच के हंस रही थी। चलो कोई ना, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना प्यार बढ़ाते रहना और हेटर्स हेट करते रहना उससे मुझे और अच्छा लगता है ठीक है। चलो तब तक के लिए स्टे सेफ टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।